तो एक सुपर कार है किसी अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड की और ये अफगानिस्तान में बनाई गई पहली सुपर कार है और ये पाकिस्तान की बनाई गई इलेक्ट्रिक कार है। लेकिन इन तीनों गाड़ियों में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की बनाई हुई गाड़ी ही क्यों वायरल हुई? उसकी वजह यह है कि पहले अफगानिस्तान इन चीजों की वजह से जाना जाता था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे में अफगानिस्तान के इंजीनियर्स इतनी बढ़िया दिखने वाली कार भी बना सकते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की तो ये कार 100% पाकिस्तान में बनाई जाती है। सॉरी, गाड़ी नहीं बल्कि कपड़े धोने वाला ये ब्रश। दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं विदाउट एनी डाउट। और भाई, गाड़ियों की मॉडिफिकेशन में तो पाकिस्तानी लोग कुछ कम नहीं हैं। और आजकल तो पाकिस्तानी ऑटो ब्रांड्स अपनी पुरानी गाड़ियों से सीखकर अपनी नई गाड़ियों में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान वो नहीं बना पाया जो अफगानिस्तान ने बना दिया, माडा 9 सुपर कार फ्रॉम अफगानिस्तान। ये गाड़ी एंटॉप नामी कंपनी ने बनाई है और इनको ये बनाने में 5 साल लगे हैं। इस गाड़ी में इंजन किसी और गाड़ी का यूज किया गया है और इस गाड़ी को ट्रायल बेसिस पे चलाकर भी देखा गया है। जब ये गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी तो इस गाड़ी को कतर में एग्जीबिशन के लिए भी लेकर जाया जाएगा। तो मेरी तरह आप लोग भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होंगे कि कंप्लीट होने के बाद ये गाड़ी कितनी बढ़िया दिखाई देगी। वेल, ये कंपैरिजन वीडियो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की थी और दोनों ही ब्रदर कंट्रीज हैं और मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। लेकिन वही कंट्री आगे बढ़ता है जो हार्ड वर्क करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।